तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन एबीपी चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो आज आप लोग देखने वाले कि बीट वायरिंग या केसिंग वायरिंग कैसे करते हैं और यहाँ पर बाकी सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर और गाइस वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं सामने हम लोग बीट वायरिंग लगभग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बीट वगैरह फिटिंग हो गया है, बीट फिटिंग हो गया है, बोर्ड फिटिंग हो गया है। लोगों को पूरा वीडियो कंटिन्यू नहीं दिखा पाते क्योंकि वीडियो करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए करने के बाद आप लोगों को वीडियो दिखा देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं वायर कनेक्शन हो रहा है और वायर कनेक्शन करने के बाद जो बीट होता है वो का ढक्कन जो है उसका लगा देते हैं और उसके बाद बोर्ड वगैरह फिटिंग करते हैं। तो गाइस आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को पूरा जानकारी दे। और तीन कलर का वायर है, आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं सामने से। ये 0.5 है जो अर्थिंग के लिए यूज़ होता है और ये 1 mm है और ये 1.5 mm है फेज और न्यूट्रल। और ये बोर्ड कनेक्शन आप लोगों को देख पा रहे हैं, अर्थिंग हो गया है कनेक्शन और न्यूट्रल भी हो गया है, फेज रखा हुआ है। तो आप लोग को दिखा देते हैं कि फेज आप लोग कहाँ लगा सकते हैं। तो आप लोग पॉज करके ये बोर्ड भी आप लोग बना सकते हैं घर में ही। और आप लोग देख पा रहे हैं ये टीवी का बोर्ड है जिसमें 3 5 पिन और 3 स्विच लगा हुआ है और ये फेज है। तो फेज को आप लोग किसी भी स्विच में कनेक्शन नीचे तरफ दे सकते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसमें होल्डर लगेगा, 2 होल्डर लगेगा और नीचे आप लोग देख पा रहे हैं स्विच बोर्ड और इसको कनेक्शन कर रहा है। ये 3 3 का बोर्ड है, ये आप लोग होल्डर या सीलिंग रोज के लिए लगा सकते हैं, जॉइंट बॉक्स भी आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं ये कटिंग कर रहा है और कटिंग करने के बाद ये बोर्ड ऐसे कटिंग हो जाता है और उसके बाद स्विच बोर्ड वगैरह हम लोग कनेक्शन करेंगे। और ये स्विच लग गया है जिसमें 5 पिन और रेगुलेटर वगैरह स्विच वगैरह लगा हुआ है, ऊपर एक फ्यूज दिया हुआ है और ऊपर की तरफ 2 होल्डर लगा हुआ है और साइड में एक सीलिंग रोज जो ट्यूबलाइट के लिए यूज़ होगा। और इस साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जो आप लोग टीवी के लिए जो है बोले थे वो बोर्ड, जिसमें 3 5 पिन और 3 स्विच लगा हुआ है। किचन घर का बोर्ड है जिसमें 1 5 पिन और 3 स्विच लगा हुआ है, 2 लाइट के लिए और 1 5 पिन के लिए। और ये 5-in-1 बोर्ड है जिसमें आप लोग मिक्सी वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं ये मेन स्विच का बोर्ड है और ये 4-6 का PVC बोर्ड है जिसमें MC भी लगेगा और इस साइड पे एक होल्डर लगा हुआ है। हम लोग स्विच वगैरह कनेक्शन कर रहे हैं और सब देख पा रहे हैं ये बाहर का बोर्ड है जिसमें 1 5 पिन रेगुलेटर फ्यूज़ वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और ऊपर की तरफ एक होल्डर लगा हुआ है और इस साइड पे होल्डर है एक और ऊपर तरफ लाइन वगैरह कनेक्शन जाएगा। और काम को कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पूरा वीडियो दिखा देते हैं। तीन पार्ट है। तीन बाजे तो बाजे होते हैं। सुविधा